अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों को फैब्रिक पेंटिंग में स्टेंसिल पे स्क्रैच वर्क की टेक्निक बता रही हूँ। इसके लिए जो सामान चाहिए होगा उसके अंदर है लाइट कलर का फैब्रिक, आप इसमें कोई भी ले सकते हैं। इसके अलावा है पेपर टेप, स्टेंसिल प्लास्टिक शीट के ऊपर डिज़ाइन कटिंग हुए हुए आसानी से बाजार में मिल जाते हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसका कोई भी डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। फैब्रिक कलर, यहाँ पे मैंने फैब्रिक में ब्लैक कलर लिया है। फैब्रिक पेंटिंग के एक्रेलिक कलर हैं ये, बगैर शाइनिंग वाले कलर होते हैं। फोम शीट थोड़ा सा ही हमें पीस चाहिए। इसके अलावा है टूथब्रश आप इसमें किसी भी साइज़ में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टूथब्रश जब आप सिलेक्ट करें तो ये ख्याल रखिएगा कि ये यहाँ से बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। आप इसमें नए या पुराने कोई भी टूथब्रश यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा है पानी, अगर कलर हमारा थिक हो तो उसको थिन करने के लिए हम पानी यूज़ करेंगे। टिश्यू पेपर ब्रश को साफ करने के लिए, 8 नंबर का फ्लैट ब्रश है कलर निकालने के लिए, और कलर मिक्सिंग प्लेट। सबसे पहले यहाँ पर मैं कलर बना रही हूँ, तो ये ब्लैक कलर है जो मैं कलर मिक्सिंग प्लेट में निकाल रही हूँ। कलर आपको इतना बनाना है जितना आपको काम करना हो। कलर गाढ़ा होता है अगर तो इसके अंदर आप ड्रॉप की सूरत में पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर कलर गाढ़ा ना हो तो फिर पानी इसमें यूज़ नहीं किया जाएगा। इसके बाद कलर को अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स कर देंगे। किसी भी प्लेट में या कलरिंग प्लेट के अंदर फोम शीट का छोटा सा पीस आपने पेपर टेप की मदद से इस तरीके से इस पे इसको चिपका देना है। इसके बाद ये जो हमारा कलर है इसको यहाँ पर फोम शीट के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि जिस वक्त हम स्क्रैच वर्क का काम कर रहे होते हैं तो हम डायरेक्ट ब्रश में कलर लेकर इसको यूज़ नहीं करते। उसमें जो है वो कलर स्टेंसिल में बहुत ज़्यादा आ जाता है और स्क्रैच वर्क के अंदर बहुत ज़्यादा कलर की फिलिंग नहीं होती बल्कि लाइंस होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम फोम शीट में पहले कलर लगाएंगे। इसके बाद कपड़े के नीचे कोई भी ब्राउन शीट या न्यूज़पेपर रखिएगा, पहले उसके ऊपर स्टेंसिल रखेंगे। स्टेंसिल रखने के बाद आपने ये करना है कि जो हमारा ये स्टेंसिल है इसको पेपर टेप की मदद से कपड़े पे चिपका देना है, ताकि जिस वक्त हम काम करें तो ये अपनी जगह से हिले नहीं और कपड़े पर बिल्कुल फिक्स रहे। अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से तिरछा करके रख रही हूँ ताकि जिस वक्त मैं काम करूँ तो मेरा हाथ आसानी से इसके ऊपर चल सके। टूथब्रश पर इस तरीके से फैब्रिक कलर लीजिएगा। इसके बाद जो भी हमारा डिज़ाइन है उसके ऊपर रख कर इसको आपने इस तरीके से स्क्रैच करना है। और मैं इसको राइट लेफ्ट दोनों तरफ चला रही हूँ। अगर आप इसमें लाइट शेड देना चाहें तो आप इसमें लाइट शेड दे सकते हैं, अगर आप इसमें डार्क शेड देना चाहें तो सिर्फ डार्क शेड दे सकते हैं। आप इसके अंदर लाइट एंड डार्क शेड भी दे सकते हैं, जैसे मैं इसमें दे रही हूँ कि कहीं पे मैं लाइट शेड दे रही हूँ ब्लैक कलर का, कहीं पे मैं कलर ज़्यादा लगा रही हूँ। सिंपल बिल्कुल सीधा रख के आपने क्या करना है, ब्रश को स्टेंसिल के ऊपर जमा के चलाना है, यानी ज़्यादा प्रेस करके चलाना है। लेकिन अगर आपका स्टेंसिल जो है वो बहुत पतले प्लास्टिक का है तो उस वक्त आप ब्रश को बहुत ज़्यादा प्रेस करके कपड़े पे नहीं चलाएंगे,
क्योंकि ज़्यादा प्रेस करके चलाने से ये होगा कि जो आपका स्टेंसिल है वो मुड़ने लगेगा और आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। इस तरह की जो डिज़ाइनिंग है ये बॉर्डर स्टाइल डिज़ाइनिंग भी कहलाती है। आप अपनी शर्ट के दामन के ऊपर स्टेंसिल यूज़ कर सकते हैं, आप स्लीव्स के ऊपर स्टेंसिल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी शर्ट स्ट्रिच है तो भी आप स्टेंसिल का काम कर सकते हैं। अब जैसे अगर आपने स्टेंसिल यूज़ कर लिया है और आप इसमें कहीं पे डार्क और कहीं पे लाइट शेड देना चाहें, तो आप इस तरीके से एक हिस्से में लाइट और एक में डार्क शेड दे सकते हैं, जैसे मैं अभी दे रही हूँ। और अगर आप एक जैसा ही शेड देना चाहें तो आप एक जैसा ही शेड दे सकते हैं। स्टेंसिल यूज़ करने के बाद आप इसको वॉश करके रख सकते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम लोग स्टेंसिल को वॉश करते हैं तो जो कलर हमारा स्टेंसिल के ऊपर लगा हुआ होता है वो वॉश करने से साफ नहीं होता। तो जब आप दोबारा स्टेंसिल किसी और कलर में यूज़ करेंगे तो आपका जो कलर पहले का स्टेंसिल पर लगा हुआ है वो आपके कलर में मिक्स नहीं होगा। मतलब कि अगर आपके स्टेंसिल पे कोई भी कलर लग जाता है तो भी आप इस स्टेंसिल को किसी भी कलर में बार बार यूज़ कर सकते हैं। स्टेंसिल हटाने से पहले अच्छी तरीके से चेक कर लीजिएगा कि कहीं पे कोई स्पेस ऐसी तो नहीं है जहाँ पे कलर ना लगा हो। या दूसरी चीज़ ये कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब हमारा डिज़ाइन काफ़ी बड़ा होता है और हम स्टेंसिल यूज़ कर रहे होते हैं और जब हम कलर लगा रहे होते हैं तो बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आउटलाइन जो होती है डिज़ाइन की वहाँ पे कलर नहीं आता। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा पहले अच्छी तरीके से, उसके बाद कपड़े के ऊपर से हम स्टेंसिल को हटा देंगे। जब कभी भी हम फैब्रिक कलर यूज़ करते हैं तो फैब्रिक कलर जब ड्राई हो जाते हैं तो हमेशा बैक साइड के ऊपर 4 से 5 मिनट तक आयरन कीजिएगा। आयरन करने से जो है फैब्रिक कलर कपड़े पर अच्छी तरह फिक्स हो जाते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।